नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई और पनवेल से जुड़े ताजा तरीन खबरें। आपण आता आहोत दादर येथील मिठवाला चालीमध्ये आणि त्या मिठवाला चालीमध्ये ही जी परिस्थिती आपण आहे ती आता आपण पाठीमागे बघताय। प्रत्येकाच्या घरामध्ये पाणी शिरलंय, अतिशय भयावह अशी परिस्थिती आहे। प्रत्येक माणूस जीव अतिशय मुठीमध्ये पकडून हा घरामध्ये बसलाय। प्रत्येकाच्या घरामध्ये लहान लहान मुलं आहेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये ते रात्री 10 वाजल्यापासून ही परिस्थिती हाताळतायत। जोरदार पर्जन्यवृष्टी होते, जोरदार पाऊस बरसतोय आणि अशा परिस्थितीमध्ये प्रत्येक माणूस घरामध्ये बसलाय, त्याला कुठेही जाता येत नाही। प्रत्येक ठिकाणी आजारी पेशंट्स जे आहेत, आजारी रुग्ण आहेत आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये या लोकांनी कुठे जावं आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत। नक्की त्यांच्या व्यथा आहेत आणि दाखवणार आहोत इथली सत्य परिस्थिती, इथली सद्य परिस्थिती, प्रत्येकाच्या घरामध्ये शिरलेल्या पाण्याची परिस्थिती आपण सर्वांना दाखवणार आहोत। तेव्हा चर्चा करूया, या सर्व नागरिकांना विचारूया की त्यांना हा नाहक त्रास सहन करावा लागतोय, तो कधीपासून आणि कसा सहन करावा लागतोय, तेव्हा जाणून घेणार आहोत या प्रत्येक घरातल्या माणसांच्या व्यथा। कल पाणी भर गया था घर पे, पूरा रात भर इतना इतना पानी आया था घर पे, और सोने कोने कुछ नहीं हो पा, फ्रिज डूब गया, सिलेंडर गिर रहा था, वॉशिंग मशीन गिर रहा था। जब भी तेज़ बारिश होती है तो पर्ल वाले यहीं पानी छोड़ देते, इससे हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। ना ही खाना खाने मिला, ना ही नाश्ता करने मिला हम लोग। 3-4 मरतबा पड़ता है पानी, हम लोग को मैनेज करना है, इतना भारी पड़ जाता है। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर में बूढ़े आदमी लोग हैं, कैसे हम लोग मैनेज करें। आज तो पानी इतना हो गया था कि कमर के ऊपर बीएमसी वाला कोई आता ही नहीं देखने के लिए, कोई देखने नहीं आता है, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। आज हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट में गए, अभी तक की बिल्डिंग बन रही है, बननी बन ही रही है और हम लोग तो यहाँ मर ही रहे। हम लोग का कुछ कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ ऐसे ही जी रहे हैं। कल से 12 बजे से स्टार्ट हो गया पानी, अब तक सोए नहीं है, नहीं सोए अभी तक। खाना पीना कुछ कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ही भूखे हैं, लड़के भिड़के सब ऐसे ही हैं। इतना हाइट के ऊपर जाने के बाद भी पानी, क्या कंडीशन है, रात से ऐसा प्रॉब्लम है? रात को 2 बजे से पानी है, पूरा पानी है। हमारे घर में पेशेंट है, हम लोग हाइट के ऊपर चले गए, हाइट के ऊपर भी पानी छड़ते जा रहा है, हाइट के ऊपर भी पानी आ रहा है। 11-12 घंटा हमारे घर में ये देखो पेशेंट है, पानी के अंदर ही बैठे रह गए। इनका पैर का कंडीशन देखो, बैंडेड है, ऑपरेटेड है पेशेंट, फिर भी और ये साल में चौथी बार हुआ है, पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, साल में चौथी बार हुआ है। हिंद माता और माटुंगा का पूरा पानी फेंका हुआ है। बीएमसी वाले कुछ भी नहीं, बीएमसी वाले रात भर कोई भी नहीं, सुबह में 10 बजे आके उन्होंने जो शुरू किया वो किया है, लेकिन रात भर हम लोग यही कंडीशन में, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पे कॉर्पोरेटर सेना के कॉर्पोरेटर, वो कुछ देखते हैं नहीं देखते? वो देखते हैं, लेकिन आज रात भर जो पानी था तभी कोई भी नहीं था, सब लोग हम लोग ऐसी बर्दाश्त की है। सुबह में फिर कॉर्पोरेटर ने बटर वटर खुलवाया तब जाके थोड़ा राहत हुआ है। आपने हजारों बार मांग करने के बावजूद भी ऐसा, हजारों बार, हर साल पिछली बार 3 बार पानी भरा लास्ट 2 महीने पहले, तभी भी उनको बुला के कंडीशन बताया, फिर भी वो सिचुएशन वैसा ही है। और हिंद माता और माटुंगा का पानी पूरा वहाँ का भेजा जाता है, वहाँ पे क्लॉथ मार्केट मर्चेंट्स है, वो लोग पानी पंप के थ्रू यहाँ बेचते हैं। पंप का कैपेसिटी है 1 सेकंड के अंदर 10,000 लीटर पानी को फ्लो करता है, वो फ्लो से पानी यहाँ पे आता है। बारिश स्लो होता है लेकिन 10 मिनट के अंदर 1.5-2 फुट पानी चढ़ जाता है। इतना बारिश तो हुआ नहीं, पानी 2 फुट तक चढ़ गया पंप की वजह से। और चली गई बारिश और जरा भी पानी नहीं, कुछ नहीं, और इतने में देखे तो पानी हिंद माता का इधर उधर का सब इधर आ गया, 2 फुट पानी चढ़ गया। पानी अच्छा तो अभी तो कम हुआ है, अभी कम, लेकिन कभी अभी पूरा कम होने के लिए भी और 5-10 घंटे आराम से जाएंगे। इतना पानी ठंडा बाथरूम में भरे है, कल 10 बजे से जो पानी भरा है तो अभी पानी उतरा है, तो आदमी बाथरूम में जाएगा किधर से? हाँ, बुड्ढे लोग है हमारे, हमारे चाली में कितने बुड्ढे लोग है, अभी आप देखे होंगे आगे भी, तो कैसा जाएंगे? ना हॉस्पिटल जा सकते, ना बाहर जा सकते, तो बीएमसी को कुछ इसका काम करना चाहिए ना, या तो फिर हम लोग कुछ ऐसा करके दो कि हम लोग, हमारी सहूलत होना चाहिए। अभी कैसा हर साल का हो गया है, अभी बताइए ना आप, अभी इतना इतना घर में पानी रहेगा तो हम लोग कैसा बाहर जाएंगे? हम लोग ये मांग करेंगे कि प्लीज हम लोगों को इतनी परमिशन देंगे कि हम लोग 1+1 कर सके, ताकि हम लोगों को वॉशरूम और पकाने की सहूलत, क्योंकि क्योंकि ये जो हिस्सा है वो नीचे निचले हिस्सा है और पानी कभी नहीं जाता। इसके अलावा हम लोग अगर अभी बनाने भी जाएंगे तो बीएमसी वाले अभी देखने हम लोगों को कोई नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये टूटेगा ना यहाँ पर, हम लोग बनाने जाएंगे तोड़ने के लिए आ जाएंगे, कोई ना कोई यहाँ पर कंप्लेन करके हम लोगों को तोड़वाने के लिए आ जाएंगे, अभी हमारी तकलीफ देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है सर। तो प्लीज हम लोग की ये मांग है कि आप बीएमसी वालों से, इन लोगों से हम लोग की मांग करें कि हम लोग को 1+1 के लिए परमिशन दे प्लीज। इतना पानी था, इतना पानी था रात को, अभी हमारे घर में बूढ़े बूढ़े लोग, देखो मेरी मम्मी की तबीयत देखो कैसी है। कोई आया था देखने के लिए बीएमसी का? कोई नहीं आया था देखने के लिए, ना बीएमसी वाला, ना कार पर फैमिली है। ये देखो 65 एज है इनकी, ये देखो 65 एज है इनकी, ये देखो पूरा गीला है, देखो पूरा गदेला गीला हो गया, इसके ऊपर पानी था। 65 एज है इनकी,
आप बीमार हैं डायबिटीज से? डायबिटीज हार्ट पेशेंट है, अभी इनको एक महीने पहले अटैक आ चुका है इनको पूरा। हम लोग ऐसा पानी में बैठ भी नहीं सकते, पैर कितने दुखते हम लोग के मालूम है, और हम लोग को कितनी तकलीफ। पलंग कितना गीला हो गया इनका, पानी देखो कितना जा रहा है, मजबूरी में गीले पलंग पे बैठना पड़ रहा है, देखो कितना जा रहा है। राज अरे इतना इतना था सर, इतना इतना है ना इधर तक, यहाँ तक, और हमेशा हर टाइम ऐसा ही पानी भरता है। जब पानी कोई आता है कि नहीं? कोई नहीं आता सर, खाली एक ही मैडम है हमारा शिवसेना का, जो मैडम है वही आता है बस, उर्मिला पंचाल। हाँ उर्मिला पंचाल, बाकी बीएमसी वाले कोई नहीं देखने के लिए? कोई भी नहीं आता। ये डेली का है मसला आपका? जब पानी भरा ना एक डेढ़ घंटा होता ना तो डायरेक्ट पानी भर जाता है, और रेल से भी जो पानी छोड़ता है ना तो पूरा और एकदम फोर्स से आके पूरा एकदम फूल हो जाता है। कंडीशन ये है कि जब भी बारिश शुरू होती है तो पानी अगर जोर से आता है तो हिंदमाता का पानी पूरा इधर आ जाता है, और इसके अंदर पूरी गटर वटर जाम है, और पूरा घर के अंदर पानी, फ्रिज व्रिज जो वॉशिंग मशीन सब खराब हो जाता है। कौन आता है देखने के लिए? नहीं आता, सिर्फ आती है तो एक मैडम का नाम है उर्मिला पंचाल। उर्मिला पंचाल वही बेचारी मेहनत करती है, भरे भरे पानी में आती है, बाकी कोई बीएमसी वाला कोई नहीं आता है देखने के लिए यहाँ पर। ये डेली का मसला है। आता अपन बघितली इथली परिस्थिती, प्रत्येक नागरिकाकडून आपण जाणून घेतलंय, आणि प्रत्येकाच्या घरामध्ये गुडघावर पाणी साचलं होतं, आणि अशा परिस्थितीमध्ये तिथले पेशंट्स, जे डायबिटीजचे असोत, बीपीचे पेशंट असोत, अतिशय भयानक अशी परिस्थिती। मीठवाला चाल दादर इथली आपण परिस्थिती बघितली, प्रत्येक कान अतिशय वेदना, तीव्र वेदना येते, आणि त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे इथे जो होणारा त्रास आहे तो साधारणतः 10 ते 12 वर्षापासून त्रास आहे। बीएमसीकडे वारंवार विनंती करूनही कुठल्याही प्रकारे इथे तोडगा नाही। सर्वात महत्त्वाची मागणी, प्रमुख मागणी जर त्यांची कुठली असेल तर या घरांना B1+1 चा दर्जा द्यावा, आणि कुठेतरी आम्हाला थोडंसं सकून मिळेल। भर पावसामध्ये ज्या पद्धतीनं पाणी भरत आहे ते पाणी भरलं जर तर आम्हाला कमीत कमी वरती तरी राहता येईल, अशी त्यांची वेदना किंवा त्यांनी अशी मागणी बीएमसीकडे केलेली आहे। महापौरांना माझी नवी मुंबई आवाजच्या वतीनं विनंती असेल, जर आपण हा व्हिडिओ पाहणार असाल तर कृपया या मीठवाला चाळच्या नागरिकांकडे खरंच लक्ष द्या, कारण इथे जे लहान मुलं राहतात, ज्या पद्धतीने इथे रुग्ण राहतात, त्या रुग्णांनी आणि लहान मुलांनी अतिशय तीव्र वेदना इथे व्यक्त केल्या आहेत नवी मुंबई आवाजच्या माध्यमातून, आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे इथली नेहमीची परिस्थिती असते, एकदा का भरपूर पाऊस पडायला सुरुवात झाली की रे इथे पाणी भरतोय, कारण हे अतिशय खालचं असं ठिकाण आहे, अतिशय तीव्र असं ठिकाण आहे, आणि मग इथे पाणी भरतोय। अतिशय वाईट परिस्थिती होते, रात्री 10 वाजल्यापासून जेव्हापासून ते जेवायला बसले होते, ताटावरून उठले तेव्हापासून अजूनपर्यंत दुसरा ताट त्यांनी स्वीकारला नाहीये। अतिशय भयानक परिस्थिती आहे की जेवले नाही आहेत, लहान मुलं अतिशय भुकेने व्याकुल आहेत, आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये त्या लोकांनी जावं कुठे, त्या लोकांनी कोणाकडे मागणी करावी? बीएमसीकडे मागणी करतात। इथले जे स्थानिक कॉर्पोरेटर आहेत, शिवसेनेचे कॉर्पोरेटर आहेत, उर्मिला पांचाल, हे इथे निश्चितप्रमाणे लक्ष देत आहेत, परंतु ते ज्या पद्धतीने लक्ष देत आहेत ते पुरं परत नाही आहे। तेव्हा बीएमसीच्या मुख्य मागण्या मुख्य लोकांकडे अर्थात महापौरांकडे त्यांनी विनंती केलेली आहे की कृपया करून या परिस्थितीला आपण लक्ष द्या, या परिस्थितीला जाणून घ्या, आणि आम्हाला 1+1 दर्जा द्या। आपण जी परिस्थिती बघितली ती अतिशय भयानक परिस्थिती आहे। झोप आपण ज्या काठेवर झोपतो अर्थात आपण त्या बेडवर बघितलं, बेडपर्यंत पाणी पोचलं होतं, आणि मग त्या बेडवर झोपणारा 65-70 वर्षाचा वयोवृद्ध व्यक्ती असेल, ज्याला डायबिटीज आहे, बीपी आहे, अशी व्यक्ती अतिशय वाईट परिस्थितीमध्ये येते, रात्र काढलेली आहे, आणि मग या लोकांनी जावं कसं अशी त्यांची मागणी आहे। तेव्हा बीएमसीला त्यांनी मनपूर्वक विनंती केलेली आहे, कृपया आम्हाला कायमचं सोल्युशन जर काढायचं असेल तर ह्या घरांना 1+1 करून द्या, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे। तेव्हा बीएमसीला नवी मुंबई आवाजच्या वतीनंही आम्ही मनपूर्वक मागणी करतोय की कृपया ह्या अशा भयावह परिस्थितीकडे आपण लक्ष द्या, अन्यथा येणारे प्रत्येक पावसाळे हे त्यांना असेच झेलावे लागतील आणि असाच त्रास सहन करावा लागेल। मी प्रमोद पाटील, कॅमेरा पर्सन श्रीहरी आचार्यसह नवी मुंबई आवाज, मीठवाला चाल, दादर।